प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, मेरा भारत मेरा परिवार है, अब गरीबों को मिल रहा है पक्का घर। आरबीआई ने आज पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। मौद्रिक नीति फैसलों पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित कर रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो किया जारी। चुनाव आयोग ने आप नेता आतिशी मालिना को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में जारी किया नोटिस। कल शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा। नई दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग ने देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उपायों को लेकर देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलकर एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कम मतदान वाले इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया गया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की हुई जांच। 8 अप्रैल तक नाम लिए जाएंगे वापस। उधर प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जनता के बीच अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मुफ्त में करीब 130 घंटे मुहैया कराए हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर करीब 65-65 घंटे का समय आरक्षित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, समग्र विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहे उत्तर प्रदेश को मोदी की गारंटी पर पूरा यकीन है। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कोल विधानसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, अब की बार 400 पार मोदी सरकार बनने जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष को प्रत्याशी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विश्वास बढ़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी ने अपने चुनावी दौरे के चौथे दिन कुरेभार, इरूल, फुलौना चौराहा समेत 23 गांव का दौरा कर नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं के माध्यम आमजन से मांगा सहयोग व समर्थन। मेरठ में भाजपा द्वारा आयोजित बूथ सम्मेलन में पार्टी के बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता हुए शामिल। बूथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बूथ अध्यक्षों को दिया जीत का मंत्र। समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य यादव ने बदायूं से सपा उम्मीदवार होने की चर्चाओं पर लगाया विराम। कहा, वर्तमान में सपा ने शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है और हम उन्हीं के लिए जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बसपा के लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर शनिवार से बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद नगीना में रैली करेंगे। यूपीएसटीएफ ने आरओ एआरओ परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने उसे मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जापुर में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निकाली गई फ्लोट फॉर वोट रैली। गंगा नदी में नाव के द्वारा निकाली गई रैली को जिलाधिकारी और एसपी ने दिखाई हरी झंडी। पूर्व मंत्री व विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी सांसद संगमित्रा मौर्य व 3 अन्य के खिलाफ एमपी एमएलए ने गैर जमानती वारंट किया जारी। बेटी की शादी में धोखाधड़ी के मामले में जारी किया गया है गैर जमानती वारंट। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के लिए 22 मामलों में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान, उनके परिवार के 4 सदस्य समेत 12 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। पवित्र महीने रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुम्मा की नमाज आज पूरे अकीदत और एहतराम के साथ लखनऊ की सभी मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।